सो गाइज मैंने वॉच मंगाई थी अपने लिए, एक्चुअली अपने लिए नहीं अपने सिस्टर के लिए, वो देखा देखते हैं कैसी है, कहीं मतलब कोई स्कैम वगैरह तो नहीं हो गया हुआ, बस वही मैं देखना चाहता हूँ। सो देख सकते हो इस तरह की वॉच है ये, नॉइस की इवॉल्व फिट इवॉल्व 2 जैसे देखने को मिल रहा है यहाँ पे, 1.9 की एमोलेड स्क्रीन है, तो मेन इसी वजह से मैंने ये वॉच मंगाई थी कि इसमें एमोलेड स्क्रीन थी, और ये मुझे पड़ी है पूरे 2000 रुपये की। एंड अगर इसकी आप प्राइस देखोगे 8000 रुपये की, बट नॉर्मल जब ये लॉन्च हुई थी तब इसका प्राइस था अराउंड 3500 से 4000 के करीब, और ये मुझे पड़ी है पूरे के पूरे 2000 रुपये की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब इसे करते हैं अनबॉक्सिंग एंड देखते हैं ये अंदर से किस तरीके की है। तो इस तरीके का देखने को मुझे ब्लैक ब्लैक सा अंदर सा दिख रहा है, एंड ये रहे इसके शायद यूज़र मैनुअल वगैरह, इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये रही इसकी बुकलेट, आई थिंक स्टिकर्स भी हैं, हाँ ये कुछ स्टिकर्स मिल रहे हैं नॉइस की तरफ से, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है नो सी मेकर एंड दिस इज़ नॉइस, लिसन टू दी नॉइस विद इन, सुनो दिल का शोर, देखते हो। चलो अब मेन वॉच है जो वो देखते हैं। आई थिंक ये एलुमिनियम है इस साइड से, एंड आप देख सकते हो ये पूरे राउंड लुक में, आई थिंक एमोलेड की जितनी भी वॉचेज़ होती हैं मैक्सिमम राउंड लुक में ही आती है। एंड मुझे ऐसे ही बताऊँ तो मुझे स्क्वायर डायल्स वैसे भी नहीं पसंद है, इसलिए मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि ये आप राउंड में लो तभी अच्छी लगेगी। सो गाइस देख सकते हो कैसे दिख रही है, अभी मैं बताऊँगा पहन के एक्चुअली मैं नहीं पहन के बताऊँगा, मैं अपनी बहन की रिस्ट बताऊँगा कि उस पर कैसे सूट करती है ये ऑन होने के बाद। सो गाइस लेट्स गो। सो गाइस देख सकते हो इस तरीके का इसकी पूरी लुक आ रही है, कितनी प्यारी लग रही है यार ये एमोलेड स्क्रीन। आप स्क्रीन से एक वीडियो से जज तो नहीं कर सकते, बट यार मैं इसके सामने हूँ ना, तो यहाँ मुझे इतनी प्यारी लग रही है, इसकी शाइन इतनी प्यारी लग रही है, कह नहीं सकता। और मेन बात ये कि जिस प्राइस में मुझे ये मिली है ना, उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि ये 4000 के हिसाब से देखी जाए तो नो, तो ये 4000 के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं वर्थ नहीं है, बट अगर हाँ 2000 के हिसाब से ये चीज़ जो चीज़ है वो बिल्कुल वर्थ है। अगर क्योंकि इसमें थोड़ी हल्की हल्की सी लैगिनेस है, जो कि आजकल की जो मतलब वॉचेज़ आ रही है उसमें शायद नहीं हो, आई थिंक इसमें शायद 60 हर्ट्ज़ से भी कम पैनल है जिसकी वजह से इतनी लैगिनेस आ रही है। एंड गाइस मैं बता दो यार ये चीज़ भी है, आप देख सकते हो इस तरीके का वॉच फेस, जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे स्टेप्स डिस्टेंस और कैलोरीज, तो ये अपने आप ही ये पूरा क्या बोलते हैं कंप्लीट होता जाएगा, तो इससे क्या होता है एक तरह से मोटिवेशन भी रहती है कि यार हमें ये कंप्लीट करना है, तो इससे हम साथ साथ में फिट भी रहेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है एक कंपनी की तरफ से इस फेस को लेकर। एंड गाइस बाकी देख सकते हो ये कितनी प्यारी लुक आ रही है इस वॉच की, तो खोल ज़रा, तो गाइस मैं कुछ बैक से दिखाता हूँ इसके सेंसर वगैरह कहाँ पे हैं, ये देख सकते हो कुछ इस तरह के सेंसर हैं इसमें। मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसकी रखी हुई है, एंड ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ इसका वॉच फेस, कितना प्यारा वॉच फेस है आप देख सकते हो, ये देखो कितना प्यारा वॉच फेस है, यहाँ पे आपको मंथ दिख रहा है, ये डेट दिख रही है, और ये अपना वेदर की जो इन्फॉर्मेशन है, एंड ये रही हमारा डे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सेटिंग्स वगैरह, इसकी सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एक मिनट इसमें ऑन कर देता हूँ, अभी मुझे अच्छे से चलाने भी नहीं आती बट फिर भी इसमें देखता हूँ। हाँ ये रही, सो गाइस ये रही इसकी सेटिंग्स, तो आप देख सकते हो ये इसकी स्क्रीन सेटिंग्स, यहाँ पे ये वॉच फेसेस वगैरह अगर आपने वॉच फेसेस चेंज करने हैं, तो ये रही हमारी ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले, आप देख सकते हो कि ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले की शायद मेरे हिसाब से दो ही चीज़ें हैं जिसको आप रख सकते हो, ये एक ये वॉच वाला और ये रहा एक नंबर्स वाला। एंड गाइज ये रही हमारे स्क्रीन की, ये स्क्रीन टाइम होता कि आपने 5 सेकेंड्स रखना है 10 सेकेंड्स रखना है, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट 5 सेकेंड्स पर आया था, पर मैंने इसे 10 सेकेंड्स में थोड़ा चेंज कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा और कौन कौन सी सेटिंग्स है इसमें, ये रहा हमारा नाइट मोड, आप देख सकते हो नाइट मोड वैसे आइज़ के लिए काफ़ी सही रहता है, आप देख सकते हो हमारे फ़ोन्स वगैरह में भी नाइट मोड वगैरह होता है, तो ये वही चीज़ है। एंड मैंने इसकी भी टाइम सेटिंग्स रख दी है कि रात में ऑन हो जाए, सुबह 7-6 बजे के करीब ही अपने आप ही बंद हो जाए, तो ये रही। और ये हमारा
फोर्थ फीचर है ये हमारा रिस्ट टू वेक का, ये वही है कि आप जैसे अपनी वॉच को अपना रिस्ट को चेंज करोगे या अपनी थोड़ा मूव करोगे तो ये वेक हो जाएगी। एंड ये रही हमारी ब्राइटनेस के लिए, ब्राइटनेस की आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है इसमें, ये देखो ये गाइस देख सकते हो कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस दिख रही है इसमें। अभी आप फ़ोन पे है, मैं फ़ोन पे एक मिनट आ नहीं रहा अच्छे से, बट अगर इसको रियल में देखोगे ना तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है गाइस, तो मैं इसमें कम ही रखी है फिलहाल तो। एंड हमारा ये फिफ्थ फीचर रहा हमारा सिस्टम का, ये पावर ऑफ और रीस्टार्ट वगैरह कर सकते हो आप इसे। एंड ये अबाउट वॉच के बारे में कि इसका मॉडल नंबर क्या है और इसका वॉच नेम वगैरह क्या क्या है। सो गाइज़ यही है फिलहाल इसकी तो सेटिंग्स में है। एंड ज़रा मैं इसको ज़रा स्लाइड डाउन कर दूँ तो अब यहाँ से इसकी देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। ये हमारा टॉर्च का फीचर है, ये हमारा डू नॉट डिस्टर्ब का, ये शायद मेरे हिसाब से वॉच का है कि आप आई थिंक वॉच पहनी है नहीं पहनी इसका मुझे कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। एंड इस तरीके से ये हमारा ब्राइटनेस का हो गया एंड ये हमारी सेटिंग्स में जाने का हो गया। तो गाइस यही ऐसे ही पता लगता है कि आपकी वॉच अभी कनेक्ट है, ब्लूटूथ का साइन आपको दिख रहा है। तो गाइस फिलहाल इसमें छोटा मोटा यही है, ये शायद ये सेंसर की लाइट भी जो हमारा SPO2 वगैरह या फिर जो हमारे और सेंसर्स हो गए काम करते हैं। सो गाइस यही था, इसमें ये देख सकते हो किस तरह की ब्लिंक कर रही है। सो गाइस बाय बाय। सो गाइस ये थी हमारी नॉइस की वॉल्व 2 वॉच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस चैनल को। एंड हाँ, अगर आप चाहते हो कि यही वॉच लेनी है 2000 के हिसाब से, ये AMOLED स्क्रीन वाली वॉच वर्थ इट है, तो गाइज़ आप फ्लिपकार्ट पे जाके ले सकते हो, मैंने भी वहीं से अभी भी बाय करी है। सो गाइज़ बाय बाय।